हम ये पूछना चाह रहे हैं सर आपसे कि जो टेलीविजन का इतिहास रहा कि जब जैसे दूरदर्शन था, दूरदर्शन पे हम पांच रामायण महाभारत ये सब मालगुड़ी डे सर्कस चलते थे, नुक्कड़ पे वो जो प्रॉपर, आपको ऐसा लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि टीवी का जो कंटेंट था ना हाँ। वो थोड़ा सा उसमें ना गिरावट आते जा रही है, मतलब DD1 वाली फील नहीं, DD1 वाली फील में मतलब उस समय ऐसा था ना कि थोड़ा सा कंटेंट ऐसा होता था ना कि थॉट प्रोवोकिंग होता था, थोड़ा सा मैसेज होता था, इंटरटेनमेंट अच्छे तरीके से होता था। अभी क्या है ना, अभी 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 का क्या हो गया है ना कि अभी आप लैपटॉप को धो रहे हो, साबुन से धो रहे हो, या आप नागिन से आप उसको घुमा के रस्सी बना के आप चांद को तोड़ के ले आ जाते हो, इस तरह का कंटेंट जब आता है तो जाते हैं। जैसे आपने कोई शो बनाने का सोचा, आपको जो बनाना फिल्म में तो ये चलता है कि यार मेरी फिल्म में यही बनाऊंगा, कुछ ऐसे भी है। सीरियल कैसा है कि बनाने को आप कुछ आए, बनाते बनाते रेटिंग यहाँ आई तो आपने इसका ट्रैक बढ़ा दिया, फिर इन पे नंबर आने लगे तो इनका घटा दिया बढ़ा दिया, तो बनाते कुछ और बन कुछ जाता है, ये भी हो जाता है। तो इसने मामला बड़ा गड़बड़ाया है कि अगर इसको फेंक के मैं आपके मुंह पे मारा और अगर इसके नंबर आ गए तो फिर आगे की कहानियों में यही यही आ रहा है कि मैं आपकी कैसे किसी भी चीज पे नंबर आ गया, नंबर से मतलब है, फिर तो विजन नहीं है ना, मतलब इसीलिए तो फिल्म इसलिए फर्क है कि आप या तो इतनी आजादी हो कि यार मैं तो यही शूट करूंगा, आपके DRP आए नहीं है वो बात की बात है भाई, तो कुछ ऐसे जिद्दी भी लोग होते ना, तो इसीलिए सीरियल बनते बनते कभी कभी कुछ और बन जाता है, क्योंकि भैया वो महेश का कैरेक्टर हिट है यार, थोड़ा उसका बढ़ाओ और ये ऐसे बन नहीं रही इसका घटा दो, तो कभी कभी कोई फिक्स नहीं है सीरियल में क्या होगा। एक दिन के लिए आए थे, अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया तो बढ़ भी गया, नॉर्मल आते लिखी रिपोर्ट, पुलिस वाला कब आया, कितने भी लोग और सीरियलों में कितने पुलिस वाले उनके नाम भी लोगों को याद नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी हैं सीरियल जिसमें कितने पुलिस वाले आते हैं लोग नहीं जानते होंगे, नहीं मिला उनको उतना मौका। आपको क्या लगता है फिर से वापस जो वो बहुत ही सुनहरा दौर जिसको कहा जाता है वो वापस नाम जिनके लिए वो वापस आएगा, आ सकता है, आपको लगती उम्मीद है, कुछ होप है कि वैसा दौर फिर से सीरियल का तो पता नहीं, फिल्मों में जरूर वो दौर आएगा जब वापस आदमी जो 90s की जो वैसी फिल्में बनती थी ना टिपिकल 2 से 2.5 घंटे पब्लिक को मजा आ जाए, बस बन रही है ना पुष्पा, बन रही है KGF, बनी है तो दौर आया ना, लोग कह रहे थे, लोग कहते हैं कि यार OTT है बहुत नेचुरल सटल एक्टिंग, इतना भी वो करोगे तो फिर रियल, अगर मुनीम का रोल है मुनीम को ही पकड़ लाओ ना फिर, या वकील का रोल है टिपिकल वकील ले, लेकिन उससे मनोरंजन नहीं होगा, एक टाइम एंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा आपको। जब भी मिस्टर इंडिया देखोगे अगर मुगैम्बो वैसा कैरेक्टर होगा तो ही मजा आएगा ना, अब आप इतना रियल ले आओ बिल्कुल ही, तो रियल का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग होने लगे ना फिर, इतना नहीं, थोड़ा तो एक्ट करोगे ना, अभी वैसा समान आ गया कि नहीं नहीं यार बिल्कुल नेचुरल करो ठीक है, लेकिन ये कितने टाइम तक चलेगी चीज ये नहीं पता ना, हो सकता है बाद में आपका नहीं यार थोड़ा तो डालो यार कुछ तो करो वापस से गोविंदा वाला फ्लेवर लेके आओ, कुछ आएगा देखना आप, जैसे मैं होता ना आंखें की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सब कुछ तो था, आंखें जो प्रॉपर वो जो फिल्म है उसमें गाने उसमें एक्शन सब है, वापस वो दौर आएगा और लोग वही चीजों का मजा लेंगे, लोग याद करेंगे यार एक अमरीश पुरी टाइप का विलन चाहिए, एक हीरो चाहिए, वैसा भी आएगा। देखा मजा आया ना, तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री के मेन चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।